अस्सलामु अलैकुम। आजकल जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर दूसरा बंदा एसिडिटी की प्रॉब्लम में नज़र आता है। तेज़ाबियत, मैदे का मसला, मैदे की तेज़ाबियत, यही सारी चीज़ें, सीने की जलन आजकल हर इंसान को घेरे हुए हैं। तो इन तेज़ाबियत से, एसिडिटी से, और ये जो स्टमक की जितनी भी प्रॉब्लम्स जैसे कि हार्ट बर्न है, सीने पे जलन का होना, इनसे बचना चाहते हैं तो इन आप होम रेमेडीज़ को फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले होम रेमेडी की बात की जाए तो इसमें आ जाता है कोल्ड मिल्क। जी हाँ, ठंडा दूध। ये बहुत ही सिंपल होम रेमेडी है जो एसिडिटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे कि आप लोग जानते हो, दूध में कैल्शियम पाया जाता है और ये मेदे में होने वाले तेज़ाब को रोकता है। आप ऐसा कीजिए, एक गिलास ठंडे दूध का ले लीजिए जब आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। आप देखेंगे कि आपको ठंडा गिलास दूध पीते ही अफाका होगा। रेमेडी नंबर टू की बात करते हैं, जिसमें आपको चाहिए होगा बटर मिल्क। लस्सी ले लीजिए। आपको पता है इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो आपकी एसिडिटी को नॉर्मल करता है। तो बटर मिल्क आप एक गिलास ले लीजिए। जब भी आपको बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा लेते हो या आपको लगता है आपको बहुत ज़्यादा डकार आ रही है, खट्टी, आपको एसिडिटी हो चुकी है, तो आप इस लस्सी को पीजिए। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ये खट्टी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रेमेडी नंबर थ्री की, जिसमें आ जाता है वाटरमेलन जूस। जी हाँ, तरबूज का जूस। ये एक नेचुरल ज़बरदस्त सी चीज़ है जो आपके बॉडी को कूल बनाती है, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट हो जाती है और ये आपकी एसिडिटी को जल्द से ठीक करता है। तो आप एक गिलास वाटरमेलन जूस ले लीजिए। जब भी आप नाश्ता करो, नाश्ता करने के बाद आप एक गिलास वाटरमेलन जूस पी सकते हैं। इससे आपकी एसिडिटी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। अगर रेमेडी नंबर चार को देखा जाए तो उसमें आ जाता है पाइनएप्पल जूस। पाइनएप्पल, इसको भी बहुत ही इफ़ेक्टिव माना जाता है। ज़बरदस्त होम रेमेडी है जिसे एसिडिटी के लिए ट्रीट किया जाता है। जब भी किसी को एसिडिटी होती है तो अगर पाइनएप्पल का जूस पी लिया जाए तो इसे एसिडिटी में आफाका होता है। इसको आपने पीना कब है ये समात फरमाइए। एक गिलास पाइनएप्पल का जूस, अगर बहुत ज़्यादा हैवी आपने खाना खा लिया है तो आप उसके बाद एक गिलास पाइनएप्पल का जूस पी लेते हैं तो इससे आपकी एसिडिटी इंशाल्लाह फ़ौरन ठीक हो जाएगी। रेमेडी नंबर फाइव की बात करते हैं, जिसमें आ जाता है जाम से बना मिल्क। मतलब आप इसको आलमंड शेक भी कह सकते हैं। आपको करना क्या है, ये आपके स्टमिक के लिए, स्टमिक की एसिडिटी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। एक गिलास आप दूध ले लीजिए, उसमें आप तकरीबन 5 से 7 बादाम छीलकर उसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लीजिए और फिर इस दूध को पी लीजिए। इससे भी आपकी एसिडिटी फ़ौरन ठीक हो जाएगी। होम रेमेडी नंबर सिक्स की बात करें तो उसमें आ जाता है जगरी। जी हाँ, गुड़। गुड़ भी आपकी एसिडिटी को रिलीव करने के लिए, ठीक करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है और आपको बताती चलूँ कि ये जो सीने की जलन हो जाती है उसके लिए भी फ़ायदेमंद चीज़ है। अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये समात फरमाइए। अगर आप लोग खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा गुड़, गुड़ का टुकड़ा खा लेते हो तो इससे आपकी एसिडिटी बहुत हद तक फ़ौरन ठीक हो जाती है। रेमेडी नंबर सात की बात करें तो इसके लिए आपको चाहिए होता है कोकोनट वाटर। जी हाँ, इसमें बहुत मिकदार में फाइबर पाया जाता है और इसमें सूथिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही बेहतर बना देता है। तो इसके अलावा ये आपके मेदे को तेज़ाबियत से, जो एक्सेसिव एसिड बन जाता है, उससे रोकता है। आपको करना क्या है, अगर आप लोग अपनी एसिडिटी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो कम से कम 2 गिलास आप कोकोनट वाटर, आप ये जो कोकोनट का नारियल का पानी होता है वो पीजिए। इंशाल्लाह आपकी एसिडिटी फ़ौरन ठीक हो जाएगी। होम रेमेडी नंबर 8 की बात करते हैं, जिसमें आपको चाहिए होगा बनाना। जी हाँ, केला। केला भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसमें फाइबर, पोटेशियम पाया जाता है और ये आपकी एसिडिटी को फ़ौरन ही ठीक करता है। खाना खाने के बाद अगर आप पका हुआ एक केला भी खा लेते हैं तो इससे आपकी एसिडिटी, आपकी तेज़ाबियत काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। अब बात कर लेते हैं होम रेमेडी नंबर 9 की, जिसमें आपको चाहिए होगा एप्पल साइडर विनीगर। जी हाँ, सेब का सिरका, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होम रेमेडी जो आपके सीने की जलन को, आपकी तेज़ाबियत को ठीक करती है। इसको आपने लेना कैसे है, एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें आप 1 चाय का चम्मच
एप्पल साइडर विनेगर मिलाइए और इसे अच्छी तरह मिक्स करके इसे आप दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। होम रेमेडी नंबर 10 की बात करें तो इसके लिए आपको चाहिए होगा तुलसी के पत्ते, जिसे बेसिल लीव्स भी कहते हैं। बेसिल लीव्स या तुलसी के पत्ते, ये भी आपके स्टमक में जो म्यूकस हो जाता है उसको रिमूव करता है। आपके स्टमक में जो एसिड बन जाता है बहुत ज़्यादा, स्टमक की लाइनिंग को इम्प्रूव करता है, आपके सीने की जलन को ठीक करता है, आपके तेजाब को ये ख़त्म करता है। इसके लिए आपको करना क्या है, तकरीबन 2 से 3, सिर्फ़ और सिर्फ 2 या 3 आपको बेसिल लीव्स जो तुलसी के पत्ते हैं उन्हें चबाना है। ये आपकी एसिडिटी को फौरन ही ठीक करते हैं। इनमें से कोई भी रेमेडी आप फॉलो कर सकते हैं। रेमेडी नंबर 11 की तरफ चलते हैं, जिसके लिए आपको चाहिए फिनल सीड्स। जी हाँ, सौंफ। सौंफ को भी डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ माना जाता है और ये एसिडिटी को बिल्कुल अच्छे से ठीक करती है। आप आधा छोटा चाय का चम्मच सौंफ का चबाइए। जब भी आप खाना खा लो, बहुत ज़्यादा खाना खा चुके हो और आपको तेजाबियत की शिकायत हो जाए, खट्टी डकार आने लगे, तो आप आधा छोटा चाय का चम्मच सौंफ को चबा लें। इससे आपकी एसिडिटी बेहतर हो जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं रेमेडी नंबर 12 की। जी हाँ, जिसके लिए आपको चाहिए होगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी एक ज़बरदस्त चीज़ है जिसमें एंटासिड प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ये भी आपकी एसिडिटी को रिलीफ करता है। आपको करना क्या है, चम्मच का चौथा हिस्सा बेकिंग सोडा लेना है और उसे आपने आधा गिलास पानी के साथ मिक्स कर लेना है। उसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद पी लीजिए। इससे आपकी एसिडिटी फौरन ठीक हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ, छोटी छोटी सी टिप्स भी बता दूँ। अगर आप शुगर फ्री च्यूइंगम चबाते हो तो इससे भी आपकी एसिडिटी बेहतर होती है। और इसके अलावा टिप नंबर 2 की बात करूं तो ओवर ईटिंग मत कीजिए। ओवर ईटिंग की वजह से भी आपको एसिडिटी हो जाती है। इसी टिप की बात की जाए तो वो ये है कि सोने से 2 घंटे पहले खाना खा लिया करें। अगर आप खाना खाते ही सो जाते हो तो इससे भी आपको एसिडिटी हो जाती है। इसके साथ साथ टिप नंबर 4 की बात करें, अगर आप लोग एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज से फौरन पहले कुछ भी खाना मत खाया कीजिए। इससे भी आपको एसिडिटी की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा जिन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है वो भी समाप्त फरमाइए। बहुत ज़्यादा टमाटोज या सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ें हाई एसिडिक होती हैं। इसके अलावा जिन चीज़ों में ज़्यादा फैट होता है उससे भी परहेज़ कीजिए, जैसे चीज़, घी, वेजिटेबल ऑयल या बटर। इसके अलावा सोडा वाटर्स वगैरह से, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से भी परहेज़ कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको एसिडिटी की कभी भी शिकायत नहीं होगी। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अनम होम रेमेडी चैनल को विज़िट कर लीजिए। विज़िट करने के बाद इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।